मैं हूं अर्पिता आर्या। तो दो बड़ी खबरें, सबसे पहले उसका जिक्र, क्योंकि आज शाम 6 बजे जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, तो वहीं शाम 4:30 बजे चन्नी के मंत्री शपथ लेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में कई नाम अब लगभग तय माने जा रहे हैं, तो वहीं पंजाब में अभी कई नामों को लेकर संशय वाली स्थिति है, क्योंकि कुछ विधायक खुलकर सामने आए और कुछ नामों पर आपत्ति जताते हुए बकायदा एक चिट्ठी यहां नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपी गई और ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिनका नाम घोटाले में हो वो कैबिनेट में कैसे आ सकते हैं, उनको मंत्री पद कैसे दिया जा सकता है। यानी जो बवाल पंजाब में मचा हुआ था वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 4:30 बजे चन्नी के मंत्री जहां एक तरफ शपथ लेंगे, वहीं यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शाम 6 बजे ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जितिन प्रसाद सबसे प्रबल नाम, जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और अब वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। 7 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, ये तमाम नाम अब हम आपके सामने रख रहे हैं। 7 मंत्री जिन पर ये संभावित नाम, इनकी सूची जो सामने आई, दिनेश खटेक, धर्मवीर प्रजापति, जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम और कृष्णा पासवान, ये नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार मंत्री पद की रेस में, ये संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं। तो आखिरकार कॉल भी पहुंचनी अब शुरू हो गई है, इंतजार आनंदी बैन का पहुंचने का है। जैसे ही वो पहुंचनी है तो ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा शाम 6 बजे। तैयारियां पूरी कर ली गई है लगभग। तो अब इस बीच एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें। शाम 6 बजे पहले जानकारी मिल रही थी कि कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में होने वाला है, लेकिन अब इसका समय आधे घंटे पहले कर दिया गया है। यानी अब जो खबर है 5:30 बजे कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तैयारियां पूरी कर ली गई और लंबे वक्त से इस बात का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये माना जा रहा था चुनाव से पहले 5 महीने अभी तकरीबन बचे, उससे पहले ये विस्तार और ऐसी संभावना थी कि विस्तार जल्द ही हो सकता है। कई सवाल मुख्यमंत्री से पूछे गए, मुस्कुराकर उसका जवाब देते योगी आदित्यनाथ नजर आए, लेकिन कई बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर 7 चेहरों पर सौंपी जाएगी। 5:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पहले 6 बजे का वक्त था और आज क्योंकि रविवार का दिन राजभवन बंद रहता है अमूमन, लेकिन वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसी लिहाज से, क्योंकि आज जो जानकारी मिली शाम 5:30 बजे का वो वक्त होगा जब 7 नए चेहरे शामिल होंगे। कैबिनेट विस्तार होना है यूपी में, किससे मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं। मायने इसके क्या समझ लीजिए जल्दी से, आगामी चुनाव पर फोकस सीधे तौर पर जातीय समीकरण का दाव यहां पर सेट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से जरूर, और ब्राह्मण वोट पर नजर है और इसीलिए जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे, जो नाराजगी ब्राह्मणों की रही उसे दूर करने की कोशिश, साथ ही साथ ओबीसी कार्ड से भी यहां पर दाव चलाया गया। केवल एक जितिन प्रसाद को छोड़ दें तो एसपी बीएसपी को यहां टक्कर देने की भी कोशिश, और देखिए सारे दल जातीय समीकरण साधने की कोशिश। जो नाम अभी संभावित तौर पर दिख रहे हैं उसमें दिख रही है आगामी चुनाव पर ये फोकस है, और ये कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। यहां कहा तो ये भी जा रहा था कि जो पार्टियां गठबंधन में हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो अनुप्रिया पटेल समेत और नाम जो हैं, ये भी चर्चा में थे कि इन्हें भी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अभी तक जो नाम सामने आ रहा है, जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें कोई भी सहयोगी दल का नजर नहीं आ रहा है। तो आगामी चुनाव पर फोकस करते हुए 5 महीने पहले चुनाव से पहले यहां कैबिनेट विस्तार की जानकारी उत्तर प्रदेश में आज शाम 5:30 बजे। तो ये दो वक्त बहुत महत्वपूर्ण, 4:30 और 5:30। 4:30 बजे जहां पंजाब में चन्नी के मंत्री शपथ लेंगे, वहीं 5:30 बजे वो वक्त होगा जब योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, 7 नए चेहरे बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद के रखे जा सकते हैं। शाम 5:30 बजे मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, उन्हें भी खुश करने के लिए उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। अभी हाल में ही उनका गठबंधन बना और ऐसे में संजय निषाद खुशी भी जाहिर कर चुके हैं, आभार भी दिखा चुके हैं।
तो सात ये चेहरे शपथ लेने वाले हैं आज शाम 5:30 बजे। समय जरूर बदला क्या है, देखिए शाम 6 बजे पहले वक्त डिसाइड किया जाया गया था, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि शाम 6 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन अब जानकारी कि 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। कुमार अभिषेक, ये वक्त क्यों बदला गया, पहले 6 बजे की जानकारी थी, अब बता रहे हैं 5:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। देखिए ये आधिकारिक जानकारी है, आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के राजभवन में होगा और 6 बजे का जो कार्यक्रम दिया गया था ये टेंटेटिव बताया गया था कि 6 बजे के आसपास हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाहर थी, वो पहुंचने वाली है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही थी। जैसे ही ये तैयारियां पूरी हुई है, अभी ये कम्युनिके आया है, ये बताया गया है कि अब ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये शाम के 5:30 बजे होगा। 7 मंत्रियों की शपथ होगी और सिर्फ जो एजेंसियां हैं वो अलाउड होंगी, यानी कि दूरदर्शन और ऐसी जो एजेंसियां हैं वो इसके लिए अलाउड होंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में इसे किया गया है। 5:30 बजे वो वक्त होगा, देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। और कुमार अभिषेक, राजभवन में जो तैयारियां भी हैं वो लगभग अब दिख रही हैं, क्योंकि आज जो है रविवार का दिन था, आज कोई कर्मचारी वहां नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वहां पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए अर्पिता, जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है ये पिछले 1 महीने से चल रही थी, यूं कहें टल रही थी, हर बार ये हो रहा था कि अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन लगातार ये टलता जा रहा था।